शादी की तकरीब में खाना खाने के बाद लोग बीमार पड़ गए। इन्हें दस्त की शिकायत हुई, इन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया, जिनमें दो बच्चों की मौत हो गई है। बाकी लोगों का इलाज चल रहा है, इनमें बेशतर बच्चे हैं। फिलहाल 10 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जबकि दो को जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है, जांच टीम आज इलाके का दौरा करेगी। सत्यालता विलेज में कोई मैरिज का फंक्शन था, परसों रात को ये सब लोग वहीं पे थे और कल तक ये ठीक थे। आज सुबह इनको कॉम्प्लिकेशन शुरू हुई हैं। दो बच्चे जो यहाँ पे ब्रॉड डेड लाए गए, उसके अलावा यहाँ पे इस समय हमारे पास 14 पीपल दे हैव रिपोर्टेड, उसमें से दो लोगों को शिफ्ट किया गया है अपना मेडिकल कॉलेज जम्मू में। तो बाकी जो हैं 7 और 3 10 लोग हमारे पास यहाँ पे अभी भी एडमिटेड हैं। लोगों ने बताया कि कुछ लोग और भी हो सकते हैं, तो उनके लिए एडिशनल बेडिंग फैसिलिटी यहाँ पे वार्ड में तैयार करके रखी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर सुरेंद्र उधमपुर से। सुरेंद्र, इस वक्त क्या स्थिति है? तो हमारी कोशिश है सुरेंद्र से बातचीत करने की, लेकिन अभी उनका उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सुरेंद्र से हमारा संपर्क हो जाए तो हम उनसे बातचीत करें और अपडेट लें इस बारे में। लेकिन फिलहाल ये काफ़ी चिंता की खबर ज़रूर है कि जिस तरह से वहाँ पर स्थितियाँ बनी है। उधमपुर में गुज़श्ता दिनों शादी की तकरीब में खाना खाने के बाद लोग बीमार पड़ गए, इनमें दस्त की शिकायत हुई, इन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया, जिनमें दो बच्चों की मौत हो गई है, बाकियों का इलाज चल रहा है। और सुरेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। सुरेंद्र, क्या स्थिति है अभी? दो बच्चों की मौत की खबर थी और बकिया का इलाज चल रहा है, स्थिति क्या है अभी? जैसे ये कल की बात है तो गांव में ये अफरा तफरी का माहौल हो गया था, क्योंकि काफी बड़ी खबर थी, क्योंकि वहाँ पे काफी 15 से 20 जो है बच्चे थे, उसमें दो बच्चों की डेथ हुई थी। उसके चलते अभी कुछ लोगों को वहाँ से और वहाँ पे लाया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ लाया जा रहा है। बड़ी बात खबर इसमें ये निकल के आ रही है कि यहाँ से मेडिकल की कुछ टीमें रवाना कर दी गई हैं उस इलाके के लिए, ताकि वहाँ पे ही लोगों को इलाज मिल पाए, लेकिन काफी लोग बीमार हो रहे हैं और भी लोगों की रिपोर्ट मिल पा रही है बीमार होने की। जी, जिन घायलों का इलाज चल रहा था, इस बारे में क्या वहाँ पर उनका इलाज ठीक ठाक चल रहा है या फिर उन्हें कहीं और जो है रेफर करने की बात चल रही है? देखिए, जो 11 लोग थे वो उधमपुर हॉस्पिटल जो थी उधमपुर हॉस्पिटल में थे, लेकिन उसके चलते कुछ को जो है जम्मू मेडिकल कॉलेज के लिए यहाँ से रेफर कर दिया गया है। लेकिन बात ये कही जा रही है जो जम्मू में है उनका भी, वो भी उनकी तबीयत में काफी फर्क पड़ा हुआ है, और जो उधमपुर में है उनकी भी इलाज हो रहा है लगातार और उनकी सेहत में भी काफी फर्क पड़ा हुआ है। लेकिन कुछ लोग और भी वहाँ से गाँव से आ रहे हैं जिनको ये प्रॉब्लम द्वारा से क्रिएट हो रही है, तो उनका भी इलाज उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहा है। उसके चलते वहाँ उस गांव से, क्योंकि काफी दूर का इलाका वो है, वहाँ जाना वहाँ से आना जो है काफी मुश्किल है, लेकिन यहाँ से जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने जो टीम्स हैं मेडिकल की टीम्स हैं वो वहाँ के लिए रवाना की हुई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सुरेंद्र हमारे नुमाइंदे हमें इस बारे में मजीद तफसील दे रहे थे।